एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे, स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। आज हम आपके साथ दो टाइप की स्मूदी शेयर कर रहे हैं। एक हम बनाएंगे ब्लूबेरी स्मूदी एंड दूसरा है हमारा ग्रीन स्मूदी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल फिट रखना चाहते हैं तो ये स्मूदी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये स्मूदी विटामिन मिनरल्स काफ़ी कुछ है इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिससे कि आपको ये हेल्प करेगा फिट रहने के लिए। तो चलिए हम अपना इजी एंड टेस्टी वे बताते हैं कि आप किस तरीके से ये स्मूदी। हम पहले बनाते हैं ब्लूबेरी स्मूदी। इसके लिए हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स होगा ब्लूबेरी। ब्लूबेरी हमने यहाँ पे पल्प फॉर्म में लिया है। आप फ्रोजन ब्लूबेरी भी ले सकते हैं, ध्यान रखिए कि आप ब्लूबेरी ऑर्गेनिक ही लें। और यहाँ पर हमने आलमंड मिल्क लिया है। आप आलमंड मिल्क की जगह कोई भी टोन मिल्क ले सकते हैं या फिर आप सोया मिल्क भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने बादाम भी सोख करके रखे हुए थे, इसका हमने स्किन निकाल दिया। चिया सीड्स, बनाना, योगर्ट एंड मेलन सीड्स। अब हम कुछ चीज़ों को इसमें ग्राइंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें कट किए हुए बनानाज ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे बादाम। आप 4 से 5 अच्छे से आलमंड्स ले सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट। ये मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, इसलिए मैं कम बना रही हूँ। अब इसमें ऐड करते हैं पल्प ब्लूबेरी का। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून पल्प लिया है। इसमें हम शुगर या फिर हनी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बेरीज़ में ऑलरेडी बहुत शुगर होता है। ये देखिए, ये देखिए, इतना हमने ब्लूबेरी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। मिल्क हमने 1/4 कप लिया है, क्योंकि स्मूदी थोड़ी थिक होती है। देखिए, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। किसी भी बोल में आप इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आप इसमें बनाना ऐड नहीं करना चाहते हैं या बनाना पसंद नहीं करते, तो आप इसमें एप्पल, एवोकाडो, अपनी मनचाहे फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप बनाना बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे मेलन सीड्स, चिया सीड्स। चिया सीड्स बहुत अच्छा होता है, आप इसे ब्रेकफास्ट मेनू में ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें कुछ बादाम भी हम रख देते हैं। और हमने इसमें बनाना डाला है, इसलिए हम इसमें थोड़े से गार्निशिंग बनाना की भी करेंगे। तो आपने देखा ये कितना इजी है बनाना। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट मेनू में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, और आप इसे ठंडा होने के बाद भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसमें आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आप ब्लूबेरी को अपने ब्रेकफास्ट मेनू में ऐड करते हैं, तो इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीज, और इसमें थोड़ा अमाउंट विटामिन ई का भी होता है। और ये आपके हार्ट और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। तो आप इसको ज़रूर अपने ब्रेकफास्ट मेनू में ऐड कीजिए। तो चलिए, अब हम बनाते हैं अपना दूसरा स्मूदी, जो है ग्रीन स्मूदी। तो इसके लिए हमें चाहिए कीवी, 3 से 4 लीव्स स्पिनच के, योगर्ट, आलमंड्स, बनाना। यहाँ पे हमने आलमंड मिल्क लिया है फिर से, और साथ ही साथ हनी। यहाँ पे हम शुगर का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे हनी लिया है। आप इसमें प्रोटीन पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो आप इसमें प्रोटीन पाउडर बिल्कुल ले सकते हैं। इससे आपको विटामिन और प्रोटीन दोनों आपको मिल जाएगा। और स्पिनच से आपको आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी एंड के मिलेगा। अब हम इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्पिनच ले लेंगे, योगर्ट 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पे योगर्ट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स, बनाना। बनाना की जगह आप बिल्कुल एवोकाडो, एप्पल कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप इतने सारे मिनरल्स अगर मॉर्निंग में ही ले लेते हैं, अगर आपकी बॉडी को पोटेशियम अच्छे से मिलता है, तो ये आपके ब्लड को भी मेंटेन रखता है, बैलेंस्ड रखता है, और नर्व फंक्शन भी आपका अच्छा रहता है। तो आप ऐसी स्मूदी ज़रूर ब्रेकफास्ट में ऐड कीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे हनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। यहाँ पे हमने 1/4 कप मिल्क लिया है। अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट पसंद नहीं है, तो आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क ले सकते हैं, या फिर अगर डेयरी मिल्क ले भी रहे हैं, तो आप टोन मिल्क लीजिए
फुल फैट मिल्क मत लीजिए। हमने इसको ग्राइंड कर लिया, अब हम एक सर्विंग बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया। स्पिनच एक सुपर फूड है, आप इसे किसी भी वे में ले सकते हैं, ये आपकी बॉडी को कभी हार्म नहीं करेगा। अब हम इसे इसके टॉपिंग ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने मेलन सीड्स डाल दिए, चिया सीड्स डाल दिए, इसमें ऐड करते हैं थोड़े से बनाना, कीवी और बादाम। थोड़ा सा इसमें लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए अच्छे से ये कलर नहीं दिख रहा है। ये देखिए हमारा ग्रीन स्मूदी बिल्कुल बनके रेडी है। आप भी अपने फिट लाइफस्टाइल में ऐसे सुपर फूड एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ट्राई दिस, आई गारंटी यू विल लव इट। ये रियली बनाना बहुत सिंपल है और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये जितना इजी है उतना टेस्टी है, तो इसे प्लीज़ ऐड कीजिए। अगर आपने हमारा ये वीडियो पसंद किया है जो लो सोडियम ग्लूटेन फ्री मिनरल एंड विटामिन से बिल्कुल भरपूर स्मूदी है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर हमारे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हे एवरीवन, यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लाइक अस ऑन फेसबुक, फॉलो अस ऑन ट्विटर, फॉलो अस सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।